नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दमोह 10 सूत्रीय मांगों को लेकर निज हड़ताल पर, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप, रामायण पाठ कर दर्ज कराया विरोध। दमोह जिला अस्पताल परिसर में जिला अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्सों की हड़ताल लगातार जारी है। यह अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। आज उन्होंने अस्पताल प्रांगण में रामायण का पाठ किया। इस दौरान सभी भगवान के भजन गाती हुए भी नजर आई। उसके बाद उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया। उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में ये हड़ताल चल रही है, अपनी मांगों पर अडिग हैं और शासन से मांगे पूरी करने की बात कह रहे हैं। आइए जानते हैं बबीता नज जिला अस्पताल ने क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। सभी सुंदरकांड किया है हमारी नर्सेस बहनों ने, ताकि उसका प्रतिफल मिले और प्रशासन की नींद खुले और जल्दी से कोई पॉजिटिव हम लोगों के पक्ष में कोई निर्णय आए। क्या मांगे हैं आपके? 10 सूत्री मांगे हैं हमारी, जिसमें प्रमुख मांग है कि हमको सेकंड ग्रेड दिया जाए। ये मांग 2021 में भी थी हमारी, पर हुआ ये कि पद तो हमको दे दिया गया नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स से बदलकर। कहा गया कि इससे कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा प्रशासन पर, लेकिन जो उसका ग्रेड है नर्सिंग ऑफिसर का सेकंड ग्रेड जैसे दूसरे प्रदेशों में भी है, वो ग्रेड हमको नहीं दिया जा रहा। हमारी इसी यही लड़ाई है कि दूसरे प्रदेशों जैसा ही सेकंड ग्रेड हमको भी दिया जाए। डॉक्टर्स को 500 रुपये नाइट अलाउंस दिया जाता है प्रति रात्रि भत्ता, नर्सेज को कोई भी नाइट अलाउंस नहीं दिया जाता, जबकि कई बार तो डॉक्टर्स का काम राउंड करना बस रहता है, सिस्टर्स को पूरी रात मेहनत करनी होती है, इसके बावजूद हमको कोई नाइट अलाउंस नहीं दिया जाता। तो हमारी बहन है जो नाइट कर रही हैं, उनको नाइट अलाउंस 300 रुपये प्रति रात्रि भत्ता दिया जाए, लगभग 300 जी, मतलब दमोह जिले में, सारे जिले की, उसमें CSC PSC भी शामिल है।